नमस्कार दोस्तों, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होते तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 18 नवम्बर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, आज माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी का वार है, इसलिए कॉमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय माँ संतोषी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन करें। चलिए अब आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग 18 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, आज की तिथि है नवमी, आज का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और आज सूर्योदय का समय है 6:46 AM, सूर्यास्त 5:37 PM, सूर्य राशि सूर्य वृश्चिक राशि पर है, अभिजीत मुहूर्त 11:50 AM से 12:33 PM। आज का चाणक्य विचार, आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति कूटनीति और अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों में न केवल सफलता के मूल मंत्र का उल्लेख किया है बल्कि जीवन के हर पहलू पर बात की है। उन्होंने मनुष्य के जीवन की कई ऐसी गुड़ बातें बताई हैं जिसे मानकर व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया जिसे चाणक्य नीति कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में महिलाओं के स्वभाव से जुड़ी 5 बुरी आदतों के बारे में बताया है। इस संबंध में चाणक्य नीति का ये श्लोक प्रचलित है, अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमति लोभिता अशौचत्वम निर्दयतम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजः, अर्थात झूठ बोलना, अत्यधिक साहस, छल करना, बेवकूफी करना, लालच और निर्दयता, ये दोष महिलाओं के स्वभाव में जन्म से ही होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ये आदतें महिलाओं में जन्म से ही होती हैं और जैसे झूठ बोलना, आचार्य चाणक्य के मुताबिक अधिकांश स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने के स्वभाव के कारण स्त्रियां कई बार मुसीबत में भी फंस जाती हैं। ये अवगुण महिलाओं में जन्म से ही होता है। छल करना या धोखा देना, चाणक्य नीति के मुताबिक महिलाओं में छल करने का अवगुण जन्म से ही होता है। महिलाएं अक्सर लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती हैं और समय आने पर पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। मूर्खतापूर्ण काम करना, चाणक्य नीति के मुताबिक कभी कभी महिलाएं बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण काम कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। बिना सोचे समझे काम करना या किसी बातों में आकर काम करना, ये अवगुण महिलाओं में स्वभाव से ही होते हैं। लालची होना, आमतौर पर ज्यादातर महिलाएं धन की लोभी होती हैं, उन्हें धन और स्वर्ण के प्रति खासा लगाव रहता है। धन लालच में कुछ स्त्रियां सही गलत का भेद भी भूल जाती हैं, यही अवगुण महिलाओं को गलत रास्ते पर भी ले जाता है। अत्यधिक साहसी होना, महिलाएं कई बार ऐसा काम कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी किसी के लिए मुश्किल होता है। साहसी होना अच्छी बात है लेकिन अत्यधिक साहस कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की चाणक्य नीति, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। आज का दिन आपको धनी और प्रसिद्ध बना सकता है, हालांकि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। व्यापारिक और व्यवसायिक संदर्भ में आप मेहनती और प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से अपनी स्थिति में सुधार करेंगे। चोरों की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, अतः आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने लेखन के माध्यम से और परामर्श देकर कुछ लाभ हो सकते हैं। आज किसी खास काम में आपको फायदा होगा। भाई बहन के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित होगा। बिजनेस के मामलों में दिन अच्छा रहेगा। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों से आज आपको मदद मिलेगी। कुछ नए कामकाज आज आपके सामने आएंगे जिनके लिए आपकी कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात भी होगी। आज शाम तक कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आप किसी बड़े से अपने पैसे और अपने पेशे से संबंधित सुझाव ले सकते हैं जो कि आज फायदेमंद साबित होगा। आज आप घर में ही खुशी भरा दिन गुजारेंगे। खुशी के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कहीं बाहर पैसा खर्च करके ही मजा लें। किसी प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आप नया काम शुरू करने से बचें। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के साथ विवाद होने की संभावना है। आज आपके लिए समय कठोर हो सकता है और आप कुछ काम पूरा करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। व्यवसायियों को कुछ श्रम संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय बाधाएं हो सकती हैं और आपको अपने भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई होगी। आपको अपने घर या कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके कारण आप बचत अथवा निवेश नहीं कर पाएंगे। इमोशनल इश्यू क्रॉप कर सकते हैं, इसलिए किसी भी तरीके से आप सारे तर्क वितर्क से दूर रहें। शांत और केंद्रित रहने की कोशिश करें। मित्र और शुभ चिंतक जो हैं वो अपना सहयोग आज आपको देंगे। आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अचानक नए स्रोतों से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित कर देगा। आप शाम को किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा।
लव मेट के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, उचित दिशा में की गई मेहनत का आपको आज पूरा फल मिलेगा। आज आप आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले वरना बाद में पछताएंगे। आज का दिन आपके लिए खुशी और संतुष्टि भरा रहेगा। ये दिन आपके लिए बड़ी सफलताओं वाला है, आप बिना डर या किसी भी भय के निर्णय ले सकते हैं जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छे साबित होंगे। जमीन खरीदने की योजना बनेगी और साथ ही फिल्म से संबंधित लोग भी आज लाभान्वित होंगे। आज के दिन आपको संभल कर चलना होगा वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगी, आपका साहस और बुद्धि चरम पर होंगे। सामाजिक लोकप्रियता में वृद्धि होगी, दफ्तर में वरिष्ठ आपके कामों को आज सराहेंगे। शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। घर में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और उनके लिए खर्चा भी कर सकते हैं। वाहन या घर खरीदने के लिए सबसे उत्तम समय है। प्रेम संबंधों में संदेह और विवाद उत्पन्न हो सकता है, संबंधों में संतुलन बनाए रखें और बहस से बचें। आज किसी काम में आपको अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे। आज पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। संगीत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अगर आप कुछ दिनों से अपने कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज किसी पुरानी बात पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। आज शायद आपको अपने मित्रों व सहकर्मियों से कोई मदद नहीं मिलेगी, इससे आपको थोड़ी सी निराशा भी हो सकती है। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें, रहन सहन कष्टमय हो सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें जो आपकी छवि खराब करने पर तुले हैं। आज अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत है। आज आप घर पर थोड़ा सावधान रहें क्योंकि झगड़ा होने की प्रबल संभावना है। बेकार के झगड़ों से बचें, आप अपना काम करते हुए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मौद्रिक लाभ का संकेत है और आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन में भी निवेश संभव है। प्रतिद्वंद्वी गतिविधि बढ़ेगी किंतु वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुत्पादक गतिविधियों पर समय व्यतीत करने से बचें अन्यथा कुछ अन्य काम आधे अधूरे रह जाएंगे। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और आप परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। आज अपना कोई नई योजना अगर बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी बना लीजिए। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप सफल होंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं आज उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको बड़े अधिकारियों से भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। दोस्तों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग करेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज सामूहिक आयोजन में आपको मजाक का विषय बना सकते हैं। आज आप अपनी भावनाओं को वश में रखें। कठिन परिश्रम से आपकी अच्छी आय की वापसी हो सकती है जिससे आपके अधिकारियों पर आपकी प्रति है जो वो अच्छी धारणा बन सकती है। आपका जो व्यवहार है अपनों का वो विपरीत होगा जैसा कि हमेशा होता आया है, उससे विपरीत आज देखने को मिलेगा। जोखिम व जमानत के कार्य टाले, मित्रों से विवाद हो सकता है। ईश्वर की आराधना करना आपके लिए उत्तम होगा। आपका परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय है लाल कपड़े में मसूर की दाल रखकर उस पोटली को अपने पास रखने से नौकरी या बिजनेस में उन्नति होगी। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट में हमें अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।